क्या आप जानते हैं हीट लिव्ड हीटेड, इनमें पास्ट टेंस का जो ईडी है उसकी आखिरी आवाज अलग अलग क्यों है? इसके बारे में इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं और वो हैं ये, दीज आर द रूल्स, तीन रूल हैं इस बारे में। द फर्स्ट ऑफ दीज थ्री रूल्स इज इफ द फाइनल साउंड ऑफ ए वर्ड इज ट और ड, किसी भी शब्द जिसके पीछे ईडी लगा हुआ है और आखिरी आवाज ईडी से जस्ट पहले की आवाज अगर ट या ड है, द फाइनल साउंड ईडी, फाइनल साउंड ऑफ ईडी ऑफ पास्ट टेंस इज प्रोनाउंस्ड एज इड। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। हेटेड, इस शब्द में ईडी से पहले जो साउंड है वो है ट, हेट, हेट, हेट। ईडी हटाने पर क्या आवाज आती है? हेट। तो ईडी जब लगेगा तो हेटेड बोला जाएगा इसको, क्योंकि आखिरी साउंड ट है। आखिरी साउंड ईडी से पहले की साउंड जो है वो या तो ट हो और या फिर ड हो, तो जो ईडी है उसे इड बोला जाता है, हेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पेंटेड। ये जो तिरछी लाइनों के बीच में, स्लैंटिंग लाइंस के बीच में जो सिंबल्स लिखे हुए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये फोनेटिक्स के सिंबल्स हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट नहीं हैं तो इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंबल्स हैं कि इस शब्द को कैसे बोला जाएगा, और जो सबसे पहले ऊपर ह साउंड के ऊपर या प साउंड के ऊपर जो निशान लगा हुआ है वो स्ट्रेस है, हेटेड, फेंटेड। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है बैटेड। इसमें ट की आवाज़ आती है ईडी से पहले। फिर से एक बार, हमने दो आवाज़ें सेलेक्ट की हैं, ट और ड। अगर ये साउंड्स हैं तो आखिरी ईडी को इड बोला जाता है, दिस वर्ड इज बैटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं डेटेड, क्योंकि इसमें भी ट साउंड है, डेटेड। हम कभी ट वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं, कभी ड वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि दो साउंड्स ही हमने चुनी हैं जो ईडी से पहले हैं, ट और ड, तो इड बोला जाएगा, हैडेड, रेडेड। मैंने तीन एग्जाम्पल ट साउंड के लिए हैं और तीन एग्जाम्पल ड साउंड के लिए हैं। आप भी कुछ शब्द ट्राई करके देखिए, इन शब्दों को ट्राई करके देखिए, इनमें भी ईडी से पहले ट या ड की साउंड है, एक्सेप्टेड, कनेक्टेड, इंटरप्टेड, रिजेक्टेड, वेटेड, चीटेड, स्टार्टेड, वॉन्टेड, अवॉइडेड। ये था रूल नंबर वन। रूल नंबर टू की हम बात करें तो ये रहा आपके सामने, इफ द फाइनल साउंड ऑफ ए वर्ड इज प, क, च, फ, ह, स, श, ह। इंग्लिश लैंग्वेज के जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये मालूम है कि ये वॉइसलेस साउंड्स हैं, और इनमें से एक वॉइसलेस साउंड मिसिंग भी है, ट साउंड मिसिंग है। और ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए, ऑर्डिनरी जनता जनार्दन के लिए, इफ द फाइनल साउंड ऑफ ए वर्ड इज प, क, च, फ, थ, स, श, ह, सिर्फ इतना ही याद रखना है, अगर किसी शब्द के ईडी से पहले की आवाज इनमें से एक है तो ईडी को ट प्रोनाउंस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, हीप्ड, हीप्ड, ट बोला जा रहा है आखिरी ईडी को, लुक्ड, लुक्ड नहीं होता है। हमारे हरियाणा में बहुत सारे लोग इसको लुकड भी बोलते हैं, लेकिन बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन है, लुक्ड, लुक्ड। रीच्ड, ब्रश्ड, इनमें हम देखें, एनालाइज करें तो आखिरी साउंड्स जो हैं वो पहले शब्द में प था, दूसरे शब्द में क, रीच्ड में च, ब्रश्ड में श, ब्रश्ड, हीप्ड, लुक्ड, रीच्ड, ब्रश्ड। पास्ट, इसमें स है, पास्ट। कुछ शब्द आप भी ट्राई कीजिए और देखिए कि इनमें आप जो ईडी बोलते हैं क्या उसको आप ट बोलते हैं, अगर नहीं बोलते हैं तो इसको सीखिए। हश्ड, मिस्ड, क्रॉस्ड, फोर्स्ड, डांस्ड, रिड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, पुश्ड,
रस्ट, फिक्स्ड। ये था रूल नंबर टू। लेट्स गो टू रूल नंबर थ्री, द फाइनल रूल इन दिस टॉपिक। इफ द फाइनल साउंड ऑफ ए वर्ड इज अदर देन ट, ड, प, क, च, फ, थ, स, श, ह, चाहे वो वाउवल हो या कॉन्सोनेंट हो, द फाइनल ईडी ऑफ पास्ट टेंस इज प्रोनाउंस्ड एज ड। अब आप सोच रहे होंगे ये इतने सारे साउंड्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। जी नहीं, लीजिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ट और ड हमने सबसे पहले रूल में डिस्कस किए थे। ट और ड साउंड्स, एक तो वो बाहर हो गया क्योंकि वो एक अलग रूल है, और दूसरे रूल में हमने जो साउंड्स डिस्कस की थी वो हैं प, क, च, फ, थ, स, श, ह। तो वो जो ऊपर दो डिस्कस कर चुके हैं उनको हटा दीजिए क्योंकि उनका रूल अलग है। बाकी जितनी सारी साउंड्स बच गई हैं उन सब में आखिरी ईडी को ड बोला जाएगा। लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। जैसा मैंने पहले कहा, पुल्ड, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पुल्ड बोलेंगे, पुल्ड, क्योंकि इसमें ल साउंड था जो ऊपर लिखी हुई साउंड्स में से नहीं है, उनके अलावा है। एंटर्ड, क्लब्ड, अराइव्ड, अराइव्ड, इम्प्रूव्ड, प्रेड। ट्राई दीज वर्ड्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये शब्द हैं, और वो हैं किल्ड, लिव्ड, ट्राइड, कंपेयर्ड, रिमेंबर्ड, अपीयर्ड, एक्सप्लेन्ड, सेव्ड, टैग्ड, बाउड। तो ये जो साउंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ल, र, ब, व या य, इनके केस में आखिरी ईडी साउंड को ड बोला जाएगा। तो ये था तीसरा रूल, और थैंक्स फॉर लर्निंग। सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग द रेड सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू अपलोड्स। थैंक यू।